दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ वो निकला है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट निकला है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल का पोस्ट निकला है, जिसको आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना है। और यहाँ पर पे स्केल जो है 5910 से 20,200, 5,910 से 20,200 रुपया प्लस ग्रेड पे है, यहाँ पर 1900 रुपया का आपका है। तो यहाँ पे बोला है कि इनिशियल जो स्टार्ट है 7,810 रुपया है एंड आफ्टर 8 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, जो 8 साल अब रेगुलर सर्विस होने के बाद जो पेमेंट आपका आएगा 10,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे आपको 3,200 रुपया यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन में बोला है कि रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम जो है रजिस्टर होना चाहिए। सेकंड है हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस, जो है जो कॉन्स्टेबल ड्राइवर का पोस्ट है यहाँ पे आपका हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और स्पेशली जो हिमाचली बोनाफाइड एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है रिलेक्शन यहाँ पे है। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो 10+2 एग्जामिनेशन जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये जो पोस्ट है मेल फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पे 720 पोस्ट जो है मेल के लिए है, 130 पोस्ट जो है कॉन्स्टेबल ड्राइवर का पोस्ट है, 213 पोस्ट जो है कॉन्स्टेबल फीमेल का पोस्ट है। ऑनलाइन में अप्लाई करना है और यहाँ पे बोला है कि आपका जो है 30 मार्च 2019 से शुरू होगा 30 अप्रैल 2019, मैंने अप्रैल तारीख 30 तक आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है और फॉर्म फिलअप है जो है कम्प्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला है कि प्रोसेसिंग फीस आपको 140 रुपये का लगेगा जो जनरल कैटेगरी के लिए, और ओदर्स जो कैटेगरी में है यहाँ पे 35 रुपीज़ का आपको लग रहा है जो एप्लीकेशन फीस। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में यहाँ पे बोला है कि रिक्रूटमेंट विल बी हेल्ड एट ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। और जो डेट ऑफ रिक्रूटमेंट का वो आपको बाद में नोटिफाइड किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया है टोटल जो 1063 पोस्ट है, जैसे एग्जांपल लेंगे बिलासपुर में आपका 59 पोस्ट है, किन्नौर में आपका 13 पोस्ट है, कुल्लू में आपका 68 पोस्ट है। तो आप अप्लाई करने से पहले आप पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग कर रहे हैं, उस हिसाब से पोस्ट देख के आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दे दिया है जो जनरल कैटेगरी के लिए, एज जनरल कैटेगरी के लिए आपका 23 है, SC/ST के लिए 25, OBC के लिए 25, गोरखा के लिए 25, होमगार्ड जो लोग काम कर रहे हैं जनरल OBC जो है कैटेगरी के लिए आपका 28 रखा गया है, SC/ST के लिए 28, गोरखा के लिए 28। तो एज का आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी के लिए आपका 10+2 आपको जो है पास होना चाहिए। हाइट का अगर बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में आपका 5.6 है, फीमेल के लिए 5.2 है, और चेस्ट का 31x32। तो फिजिकल का जो है स्टैंडर्ड आप एक बार इसमें यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपका चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो गोरखा या फिर वो कैटेगरी में आते हैं उन लोगों का यहाँ पे अलग है। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी हो रहा है, यहाँ पे 1500 मीटर का जो रेस है मेल के लिए, 800 मीटर फीमेल के लिए। इसके अलावा हाई जंप और ब्रॉड जंप भी यहाँ पे रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटर्न टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन प्लस वेरिफिकेशन कैरेक्टर और सर्टिफिकेट का यहाँ पे होगा। तो लास्ट डेट अप्लाई करने का इसका है 30 अप्रैल 2019। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे एक बार जाके चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही अच्छा है और ये हिमाचल प्रदेश जो स्पेशली जो लोग रेसिडेंट हैं उन लोग के लिए बेनिफिशियल है। प्लस अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में किए हैं, अभी अगर बाहर में भी रह रहे हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।